धन्यवाद दिया था, आज मैं फिर अपने मंत्रिमंडल की पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने पिछले लगभग 2.25 माह से अनथक परिश्रम किया। अगर मैं ये कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमने परिश्रम की पराकाष्ठा की और प्रयत्नों की परिसीमा की। आज उसी का सुपरिणाम देखने में आ रहा है। मध्य प्रदेश में अब पॉजिटिव केस जो कल आए वो 1078 आए। मुझे लगता है कि अब हम 1000 की संख्या के नीचे तेजी से जाएंगे। पॉजिटिविटी रेट घट के हमारा 1.5% रह गया। आज भी 5023 आज भी रिकवर जो हुए हैं 4120 है। और खुशी की बात यह है कि हमारा रिकवरी रेट मतलब स्वस्थ होके जाने वालों की संख्या ये 96.36% हो गई है, जो अपने आप में हम सबके लिए बहुत संतोषजनक खबर है। अलीराजपुर में कल एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 36 जिलों में अब पॉजिटिव प्रकरण, परसों 32 में थे, आज 36 जिलों में 10 से कम है, मतलब सिंगल डिजिट में है अब। और जो हमने लक्ष्य तय किया था लगभग कि हम 0 पॉजिटिव केस आए 31 मई तक, इस लक्ष्य को लेकर काम करेंगे, तो 36 जिले सिंगल डिजिट में आ गए। उस हिसाब से हम लक्ष्य के आसपास पहुंच गए। अब केवल 7 दिनों की एवरेज पॉजिटिविटी केवल इंदौर और भोपाल में 5% से ज्यादा है, बाकी सब जिलों में, अधिकांश में तो आप जानते हैं कि 1 के आसपास, 1 के नीचे, 1 के आसपास आ गई है। इंदौर और भोपाल में भी रणनीति बना के लगातार काम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी और अच्छे परिणाम आएंगे। हम सब ने अपनी जनता के साथ मिलके, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मिलके जो प्रयास किया, आज प्रदेश में उसके परिणाम आ रहे हैं। एक बार मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन अब आज से अनलॉक होना प्रारंभ हुआ है। कल मैंने कहा था कोरोना को लॉक करें, प्रदेश को अनलॉक करें। अनलॉक करते सबसे कोरोना को लॉक करना है, और उसमें भी आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अगर नहीं अपनाया अनलॉक करते समय तो फिर संकट बढ़ सकता है। और हमारी टीम का यह दृढ़ निश्चय है, मेरा, आपका, सबका, कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम दुनिया भी चलने दें, धीरे धीरे खोलते अनलॉक करते करते बिजनेस व्यापार भी चले, और कोविड को भी कोरोना को भी हम नियंत्रित रख पाए। अब इसमें लीड रोल हमारा है सबका, और इसलिए आज प्रारंभ में मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अपने जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया में कोविड की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाना वो आपका काम है।
दुकानदार क्या करे, ग्राहक क्या करे, दुकानें कैसे खुले, वो सब पूरा आप तय कर चुके हैं। सड़कों पे भीड़ ना निकले, 6 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। मुझे लंबा कहने की जरूरत नहीं, कोविड के नियमों का पालन, मास्क, दूरी। तो मुझे लगता है कि आपको आपके प्रभार के जिले में एक दौरा करना पड़ेगा और वहां एजुकेट करने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो ग्रुप्स को संबोधित करें, नीचे तक पंचायतों में बात करें, विधायकों को जैसे आपने लीड रोल दिया था अपने विधानसभा में, उनको लीड करने को कहें, उनके साथ पूरे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को जोड़े, सांसद, हमारे सांसद गणों से बात करें, अधिकारियों को दिशा निर्देश दें, जनता में सीधे आपका संदेश पहुंचे, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी सबसे बड़ी है और आगे दिक्कत ना हो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आप सबको दौरे करने पड़ेंगे, उसकी योजना आज ही बना लीजिए और बिना भीड़ के वर्चुअली भी कई काम करें आप। लेकिन जैसे मैं संभाग केंद्रों पर जाके बैठ गया तो उसका एक अलग असर पड़ता है, वैसे आप जिला केंद्र पर जाके बैठ जाएंगे तो अलग असर पड़ेगा। और दूसरा, वैक्सीनेशन के बारे में जन जागरण, ये दो काम एक साथ हम करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन को लेके जो डर, भ्रम, भय है वो निकालने का काम, तो ये हम सब साथियों को करना है। मैं भी कुछ जगह चला जाऊंगा तय करके, कुछ जगह अभी गया था, कुछ जगह और जो हम लोग तय कर लेंगे, कुछ जगह मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन ये करना है। दूसरे, हमने 6 समूह बनाए, कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुसार समाप्त, उस समूह का काम खत्म नहीं हुआ, वो चरणबद्ध तरीके से ही समाप्त हो और ठीक से व्यवस्थाएं वैसी बने, इस समूह को देखना है। वैक्सीनेशन के लिए समूह बना, अस्पतालों के प्रबंधन के लिए, तीसरी लहर की तैयारी के लिए जो जो चीजें करनी है, जन जागरूकता और प्रचार प्रसार की कार्य योजना आपने बनाई, फिर मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन, उपलब्धता, ये सारे समूह जो बने हैं उनका काम खत्म नहीं हुआ, उनका काम जारी रहेगा। जो सिफारिशें आपने की है उनको क्रियान्वित करवाना है। तो मैं चाहता हूं समूह भी बैठे, बीच में रोज बैठने की जरूरत नहीं है, सप्ताह में एक बार समूह बैठ के देखे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसको लीड करेगा जो विभाग है, जिस समूह का जो विभाग है, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तो स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन ही देखेगा, लेकिन समूह बात करें, क्योंकि हम एक अलग तरह के मॉडल पे मध्य प्रदेश को ले जा रहे हैं। हम सबके परिश्रम से मध्य प्रदेश हर काम में आगे बढ़ी, हमारी कोशिश है। एक 7वां समूह हमारा बनाया शिक्षा के लिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण समूह इसलिए है कि बच्चे क्या करेंगे आखिर आगे, घर में बैठे बैठे भी कुंठित हो रहे, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, कुछ वैकल्पिक मार्ग शिक्षा देने के क्या हो सकते हैं। तेजी से परिस्थिति सामान्य होगी तो क्या बड़े बच्चों को निश्चित संख्या में आने की अनुमति दी जा सकती है, फिर परीक्षाओं का संचालन, 12वीं की परीक्षा रुकी पड़ी है, अन्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो हमको वो फैसला करना पड़ेगा। इसलिए जो शिक्षा का समूह है, इसमें यशोधरा जी, मीना सिंह जी, विश्वास जी, मोहन यादव जी, इंदर सिंह जी, रामकिशोर जी, ये बैठ के आपको बात करना है, पूरे समूह की बैठक कीजिए और कुछ तरीके सोचिए जिससे बच्चों की शिक्षा का मध्य प्रदेश इसमें भी मॉडल बन सकता है क्या, कि हमने इन परिस्थितियों में बच्चों को शिक्षा वो प्राप्त करें, इसलिए ये फैसला किया। आप जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, विशेषज्ञों से बात कीजिए, शिक्षाविदों से बात कीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या हो सकता है उसके बारे में आप कोशिश कीजिए, लेकिन शिक्षा समूह बैठे और तेजी से इस दिशा में काम करें।
एक आप सब जानते हैं, हम लोगों ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारी प्राथमिकता थी, तो मैंने अधिकारी स्तर पर निर्देश दे दिए थे उसके लक्ष्यों को लेके। ये बात अलग है कि थोड़ी दिक्कत हमको है संसाधनों की, दो ढाई महीने में काफी रेवेन्यू का लॉस हमको हुआ है, लेकिन फिर भी काम तो हमको करना है, तो कुछ जितनी सीमाओं में कर सकते हम करेंगे, तो उस काम को हम फिर से प्रारंभ कर दें। और एक विभागीय कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास की जहां स्थिति है, वहां ये वर्चुअली शुरू कर दें। अब कल मैंने एक रतलाम में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया, परसों नीमच में मनासा में किया। आप भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, केवल कुछ लोग होंगे, लेकिन चीजें और भी चल रही है कोरोना के अलावा, इसलिए कई चीज हमारी जिनके शिलान्यास होना है या लोकार्पण होना है, उनमें से जो मुझे करना चाहिए मैं करूंगा, जो आपको करना चाहिए आप करें आपके विभाग के, उसकी भी योजना बना लीजिए। विशेषकर बाकी सब विभाग तो करें, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के भी अब उपयुक्त अवसर है कि मेडिकल कॉलेज है जिनकी अगर पूरी तैयारी है तो हम शिलान्यास कर दें। इस तरह की चीज बता रहा हूं, ऑक्सीजन प्लांट, बार्ड का विस्तार, बेड बढ़ा रहे हैं। अब बेड भी अगर बढ़ा रहे हैं तो कोई मंत्री जाके करे ना वहां, अगर सिटी स्कैन मशीन आ रही तो कोई जाके वर्चुअल कार्यक्रम करे, जाके ना तो वर्चुअल करे। ये जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं हम, ये व्यवस्थाएं भी विश्वास पैदा करेगी जनता के मन में, आत्मविश्वास से भरना है हमको लोगों को, तो ये भी अब शुरू किए जा सकते हैं। उसकी सूची बना के कौन से आपको करना है, कुछ मैं वर्चुअल कर दूंगा, कहीं एक्चुअल अगर जा सकते हैं तो जाके वहां भीड़ इकट्ठा ना हो ये चिंता जरूर करना है। तो मुझे लगता है कि दूसरी दिशा में भी तेजी से हमारे कई काम प्रारंभ हो जाएंगे। अभी कोविड के अनुकूल व्यवहार के लिए जागरूकता का जो कार्यक्रम हमें चलाना, उसमें मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। एक, आप अपनी तरफ से प्रचार कैसे हो सकता है, आपकी वॉइस रिकॉर्ड होके हो सकता हो, तरीके क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एक तो आप करें, कुछ मैं करूंगा, कुछ विधायकों से करवाएं, उनकी अपील का असर होता है। एक हम योजना आज बैठ के बना लें कि राज्य के महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी बैठे हुए हैं और टेक्निकल एजुकेशन भी यशोधरा जी भी जुड़ी होंगी, ये जो बड़े बच्चे हैं हमारे, इनकी बड़ी संख्या महाविद्यालयों में 18 लाख विद्यार्थी है, 9000 प्राध्यापक है, इन विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को कोविड अनुकूल व्यवहार के संबंध में मास्टर ट्रेनर के रूप में हम ट्रेनिंग दें, ट्रेनर के रूप में इनको प्रशिक्षित करें और इनके जिम्मे हम नागरिक 50-50 या 100 जो भी उपयुक्त समझे कर दें कोविड के अनुकूल व्यवहार के लिए, और ये प्रशिक्षित हमारे विद्यार्थी और प्राध्यापक अलग अलग माध्यमों से कोविड के अनुकूल व्यवहार के लिए और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करें। तो ये छात्र शक्ति है, उसका उपयोग हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के लिए, जन जागरण के लिए हम इनका कर सकते हैं, और ये बड़ी ताकत है, ये मैदान में उतर गई अलग अलग माध्यमों से, मीडिया सोशल मीडिया मैदान में उतर के भी, एनसीसी एनएसएस की टीमें भी हमारे पास है कि मास्क लगाइए दूरी बनाइए वगैरह वगैरह, कई अनेकों काम है, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है इसके बारे में भी आज हम फैसला कर लें कि हम इनको ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करके और काम में लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, तीसरी लहर नहीं आने देना है, अपना संकल्प है। अब कोई एकदम ऐसी बात हो जाए जिस पर इंसान का बस नहीं हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन नहीं आने देंगे, उसका तरीका वही है, टेस्ट पॉजिटिव की पहचान, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग,
कोविड केयर सेंटर में ले जाना, किल कोरोना अभियान चलता रहे और उसके साथ साथ दूरी बनी रहे, मास्क लगाते रहे, कोविड के नियमों का पालन करें, उसके लिए लगातार अभियान चलाना पड़ेगा। एक हम लीड करें उसको, हमारे विधायक सांसद लीड करें और दूसरे विद्यार्थी लीड करें, प्राध्यापक लीड करें उसको। मोहन जी तैयार हो? हाँ, तो अगर अपन ने केवल 50% भी तैयार कर लिए तो 10 लाख की ताकत मिलेगी अपन। ये बहुत बड़ी शक्ति है, फिर टेक्निकल एजुकेशन क्या अलग है। तो मुझे लगता है मध्यप्रदेश एक नया मॉडल खड़ा कर देगा, तो इसको भी हम लोग मिलकर करते हैं। एक बार फिर आप सब लोगों ने घनघोर परिश्रम किया और इसलिए अपनी तो टीम है, लेकिन फिर भी टीम लीडर के नाते मैं धन्यवाद दे रहा हूं। अब अपनी कैबिनेट की बैठक के विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे।